गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मेरे वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है कुछ डिफरेंट टाइप से इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैंने जो वीडियो क्लिप्स थी वो रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद जाके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत मेरी ऐसे होती है, फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं जाती हूँ छत पर, साथ में ब्रश करते करते मैं अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए 10-15 मिनट की वॉक कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा पूरा दिन जो है एनर्जेटिक रहे। और फिर मैं करती हूँ अपने घर के छोटे बड़े काम स्टार्ट। बट अगर बाय चांस सानू जल्दी उठ जाती है तो फिर उसके बाद मैं सानू को पैम्पर करने के लिए आ जाती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, उससे ढेर सारी बातें करती हूँ। और ये मेरे पूरे दिन में से सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है जब मैं सानू के साथ बातें करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। और सुबह सुबह इतना स्माइली फेस देख के और इतना क्यूट फेस देख के मेरा दिन बन जाता है। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सानू जब भी उठती है वो एक स्माइल के साथ, एक क्यूट से फेस के साथ जो है वो उठती है। ऐसे मतलब कोई बच्चे होते हैं जो उठने के बाद रोते हैं, चेंचे करते हैं, बट मेरी सानू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एकदम से उठती है, स्माइल करती है, प्यार करती है। तो गाइस, हमारी सुबह कुछ ऐसे होती है, जब सानू उठ जाती है ना फिर उसको खूब प्यार करने का मन करता है। और ये देखो पांडा मेरा गिर गया, पांडा ढूं ढूं करके गिर गया मेरा पांडा। तो मेरी गुड मॉर्निंग तो हो गई है प्यारी सी स्माइल के साथ सानू के। अब हम जाते हैं अपने बैक टू वर्क पे, पोछा लगाना फिर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बीच में ही उड़ गई थी। और यही रूटीन मेरा डे वन से चल रहा है, जब से सानू मेरी लाइफ में आई है तब से मेरा ये रूटीन चलते आ रहा है अभी तक का। सानू 1 साल की हो चुकी है और सानू के उठने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम रहता है वो अपने कमरे को साफ़ करने का रहता है, क्योंकि और सारे कमरे की डस्टिंग वगैरह जो बेडशीट वगैरह होता है वो तो हम कर लेते हैं पहले ही। फिर उसके बाद एक मेरे कमरे का बच्चा रहता है क्योंकि सानू लेट उठती है, तो फिर उसके बाद उठने के बाद फिर मैंने लगाया अपना पोछा। फिर उसके बाद पोछा लगाने के बाद सीधे मैं गई सानू के पास, फिर जाके मैंने सानू के लिए किया दूध गर्म। दूध गर्म करने के बाद और उसको ये सारे काम देखना बहुत पसंद है, गोद में रह के किचन के काम सारे देखना या फिर कोई भी काम कर रहे हैं उसमें उसको अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर चाहिए होता है। और साथ में यहाँ पे मम्मी कर रही थी मंदिर की सफाई क्योंकि आज से स्टार्ट थे नवरात्र। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी मम्मी मंदिर की सफाई वगैरह कर रही थी और मैंने सानू को, मेरा काम था कि सानू को दूध पिलाने का, जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है हमारे घर में कि सानू को खाना खिलाना। तो जैसे ही मैं दूध ठंडा कर रही थी सानू अपने काम पे लग गई है जो उसका फेवरेट काम होता है, ड्रॉर से चीज़ें बाहर निकालना, उनको फैलाना, उनको बाहर इधर उधर फेंक देना, जो कि हम लोग जिसको हम समेटते रहते हैं दिन भर वो निकालते रहती है दिन भर। तो यही काम हमारा घर पे चलता रहता है। शैतानी कर रहे हो, बदमाशी नहीं करने को बोला था ना, बदमाशी नहीं। ये देखो आगे खा लेगी अभी। बदमाशी नहीं। कैसे मुंह बना रही है। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सानू को दूध पिलाना, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसमें तो बाप रे खतरनाक हो जाता है, ये कभी इधर भागती है तो कभी उधर भागती है, कभी कुछ। जहाँ पे 5 मिनट का काम होता है वहाँ पे 15 मिनट तो लगने ही है सानू के साथ, 15-20 मिनट तो जाने ही जाने हैं मेरे वेस्ट। फिर भी सानू दूध पीती है नहीं, तो कोशिश तो हमारी जारी रहती है। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही सानू को दूध वगैरह पिलाया फिर मैं गई नहाने। फिर नहाने के बाद मैंने सानू को भी नहलाया साथ में ही, हम दोनों ने साथ में नहाया। मम्मी ने पहले ही नहा दिया था, वो मंदिर का काम कर रहे। मेरा काम ये था कि सानू को नहलाना, उसकी मालिश करना और उसको तैयार करना। और फिर उसके बाद हमने सोचा था कि हम पूजा करेंगे साथ में बैठ के, पर सानू को तैयार करना जितना मेरे को पसंद है ना उसको उतना ही बेकार सा लगता है, इरिटेट हो जाती है तैयार वगैरह होने में और फ्रॉक्स वगैरह पहनने में। फिर जाके मम्मी ने, मुहूर्त निकला जा रहा था और सानू ने मुझे बहुत टाइम लगा दिया तैयार होने में, तो फिर मम्मी ने कलश स्थापना करके पूजा कर ली थी क्योंकि वहाँ पे स्पेस भी थोड़ा कम होता है मंदिर में। तो मम्मी ने पहले पूजा करी, फिर जाके हम दोनों माँ बेटी ने पाद पूजा की। मंदिर में पहुँचते ही सानू को केले देखे तो उसको लग गई भूख, फिर उसने जिद करी कि मुझे केला खाना है, तो फिर उसको सबसे पहले भोग लगाया माता रानी को, फिर उसका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद हम दोनों ने आरती की। गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम
नमो शिवरी ओम जय अम्बी गौरी। तो पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने लिए तो उन्होंने आरती और खूब सारा आशीर्वाद भी मांगा सानू के लिए। और सानू को सबसे फेवरेट काम होता है उसका घंटी बजाने का मंदिर में। फिर उसके बाद मैं मिरर के सामने लेके गई, सानू का रिएक्शन कुछ ऐसा था, मतलब जो मैंने इतना टाइम लगाया था सानू को रेडी करने में उसका जो रिजल्ट था आउटपुट था वो मुझे मिल गया था। तो यहाँ पर मैंने सानू को सुना दिया उसके कपड़े चेंज करने के बाद, क्योंकि बहुत रो रही थी बहुत। इसको फ्रॉक पहनाने के बाद ना पता नहीं क्या हो जाता है, ये रोने लग जाती है। जब से नहला रही थी तब से नींद सोने के लिए रो भी रही थी, तो अभी कपड़े चेंज करके सुला दिया है। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और 9 दिन तक एकदम जो माहौल होता है वो त्योहार वाला रहता है। तो इस बात में सानू कन्या पूजन में भी जाएगी, पिछली बार भी गई थी बट वो उस टाइम पे उसका अन्नप्राशन वगैरह नहीं हुआ था तो उतना माना नहीं जाता। इस बार मैंने फास्ट भी लिया है, पिछली बार नहीं लिया था। इस बार भी मैं शायद या 1 या 2 दिन का लूँगी, 2-3 दिन का ही लूँगी, क्योंकि बच्ची दूध वगैरह पीती है ना तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं फिर आपको बताइए काटने लगते हैं। और मैंने कपड़े धोने हैं, सानू के भी कपड़े धोए हैं, क्योंकि 2 दिन से मेरा सर दर्द हो रहा था खतरनाक वाला, तो आज थोड़ा सर दर्द ठीक है। तो अभी मैं बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं सानू के, कल भी नहीं धोए आज भी नहीं धोए, तो कपड़े धोने हैं सानू के बहुत सारे, यहाँ सब फैला रखे हैं। तो अभी मैं कपड़े धो के आती हूँ। तो ये सब चीज़ें करने के बाद मैं गई फटाफट से सानू के कपड़े धोने के लिए। कुछ मेरे भी कपड़े थे तो वो भी मैंने धो दिए थे, जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो डेली के धोने होते हैं इतने सारे। तो कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद फिर मैं गई किचन में फिर से, क्योंकि सानू के लिए दिन का खाना बनाना था। और मैंने खाने में बनाया था मूंग दाल की खिचड़ी, क्योंकि मेरा और मम्मी का फास्ट था और तो इसलिए खाली बस सानू के लिए खाना बनाना था। तो मैंने फटाफट से खिचड़ी चढ़ाई और सानू भी सोई हुई थी तो उसके उठने तक का मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई थी। और खिचड़ी चढ़ाने के बाद फिर मैंने डाली काले चने भिगोने के लिए रात के लिए, क्योंकि माता रानी को जो है पूरी और काले चने का भोग लगता है। तो उसके बाद सानू के उठने के बाद मैंने उसको खिलाई खिचड़ी बड़े प्यार से, बड़े आराम से 1 घंटा पूरा लगाने के बाद उसको खिचड़ी खिलाई और खुश भी हो गई उसको खिचड़ी पसंद भी आ गई। और उसका डांस देख लो आप, वो कुछ समझ ना आए तो वो डांस करने लग जाती है। इधर आओ, आओ, अच्छा नहीं बना, जल्दी आओ फिर आज चिंकी को खिला दूँ, चिंकी को ये अच्छे आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ले बाबू आ कम और जब तक मैंने सानू को खाना खिलाया तब तक मम्मी बना के लेके आए थे बनाना शेक। फिर जाके हम तीनों ने बनाना शेक पिया, फिर तब जाके थोड़ी एनर्जी आई कि सानू को हैंडल कर पाए हम लोग। पियो, अच्छा नहीं लग रहा है आपको? और पियो फिर पियो। और ये सब चीज़ें होने के बाद जैसे शाम हुई हम लोग गए पूजा करने, हम तीनों ने पूजा करी, मैंने मम्मी ने सानू ने। और बहुत सारे भजन करने के बाद हमारी पूजा हो गई समाप्त। फिर उसके बाद मैं गई किचन में, किचन में मैंने छोले चढ़ा दिए थे कुकर में। जब फिर उसके बाद हमने फटाफट से खाना वगैरह बनाया और जिसमें मैंने छोले बनाए थे और पूरियाँ बनाई थी और थोड़ा सा रायता बनाया था। मीठे में इस बार हमने कुछ भी नहीं बनाया। खाना बनाने के बाद सबसे पहले माता रानी को भूख लगाया। तो यही था आज का फर्स्ट नवरात्रि का मंदिर वगैरह जाने का, हमारा अष्टमी के दिन होता है इसलिए हम मंदिर नहीं गए। सो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये ब्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आई नो ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो जाता है, तो आई होप आप लोग समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टाटा टेक केयर।